स्थानीय स्वर्णकार धर्मशाला परिसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल नीमच की कार्य समिति की अति महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह परियार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र जैन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र भटनागर, हेमंत हरित, करण सिंह परमार, मंडल प्रभारी राजेश लड़ा, सब प्रभारी उमेश खिलोरिया व मंडल महामंत्री द्वय सुनील तिवारी द्वारा सिंह यादव मंचासीन रहे। कार्यक्रम का सर्वप्रथम उद्घाटन संबोधन मंडल अध्यक्ष योगेश जैन द्वारा किया गया। शुभ प्रस्ताव का वाचन दीनदयाल मंडल महामंत्री सुनील तिवारी ने किया। कोरोना काल में दिवंगत मृत आत्मा को 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। बैठक के प्रथम सत्र में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह परियार ने सेवा हित संगठन के निमित्त किए गए सेवा कार्यों का उल्लेख किया। उन देशों में जब देश के प्रधानमंत्री जी भ्रमण करते थे, संबंध बनाते थे, उन संबंधों की वजह से हमने देखा है कि कोरोना काल में एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ने विश्व को संदेश दिया था और एक नरेंद्र गरीब माँ के नरेंद्र मोदी जी ने विश्व को संदेश दिया। तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर विदेश नीति के आधार पर देश के कोने कोने में नरेंद्र मोदी जी गए और उन्होंने जो संबंध बनाए उस संबंध का प्रभाव कार्यकर्ता भाइयों और बहनों हमने अभी कोविड काल में देखा है। जब अमेरिका से हवाई जहाज से दवाई आए, ऑक्सीजन के सिलेंडर आए, विश्व के अनेक देशों से दवाइयां और ऑक्सीजन के सिलेंडर भारत की धरती पर आए और हमने कोरोना में जो गरीब तड़प रहा था उसको बचाने का काम हम सब कार्यकर्ताओं ने किया। मैं अक्सर कहता हूँ किसी बड़े लोगों की सेवा करो ना करो, गरीब की सेवा कर ली तो हमको कुछ मिले ना मिले आत्मा का सुख मिलेगा। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।